पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। और क्या कहेंगे, एक बड़ी खुशखबरी अब से कुछ ही देर बाद हमारे सामने होगी। बेहद खुशी का ये मौका है, हमारे 15 श्रमिक अभी तक बाहर आ गए हैं, डॉक्टर की टीम अंदर है और सबका वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको बाहर किया जा रहा है। अंदर का तापमान 30 से 35 डिग्री है, बाहर 10 के आसपास है, इसलिए चिकित्सकों की पूरी टीम वहां पर, विशेषज्ञों की टीम वहां पर मौजूद है। स्वयं केंद्रीय मंत्री जनरल डीके सिंह और हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर मौजूद हैं और वो सब मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम कोशिशों के बाद और ये सफलता आज मिली है 15 दिन में, तो ये खुशी का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और हमारे जो फोर्सेज हैं, चाहे स्टेट की फोर्सेज होंगी, चाहे सेंटर की फोर्सेज होंगी, हमारे सेना होगी, उन तमाम लोग जो इतने जीवन बचाने के लिए लगे हुए थे, अपने जीवन दांव में लगा करके, आज उन सब को हम बधाई देते हैं, उनको हम त्रिवेंद्र सिंह जी, क्योंकि ये जो 17 दिन बीते हैं, 17 दिनों का जो समय निकला है, सिर्फ एक आस थी जो परिवार वाले थे मजदूरों के, वो सिर्फ सरकार की तरफ देख रहे थे, उनको सिर्फ सरकार से उम्मीद थी कि कुछ करो, उनके परिवार वालों को बाहर निकालो, सिर्फ उनको सरकार से उम्मीद थी। बहुत ही कहना चाहिए कि सफल ऑपरेशन रहा है ये ऑपरेशन सिलकारा जी, और आज उनके परिजन, परिवार के लोग सब बहुत ही, ज्यादातर बहुत कमजोर परिवारों से थे, मजदूर हैं, लेकिन आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा बोकनाथ के आशीर्वाद से ये सब कुछ ठीक हो गया। मैं पढ़ रहा था अभी एक दिन पहले कि बाबा बोकनाथ ने कहा कि 3 दिन में सब बाहर निकल आएंगे, तो उस पराशक्ति के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं था। बिल्कुल। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जब बार बार सरकार से ये पूछा जाता था कि आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की डेडलाइन क्या है, तो कहीं ना कहीं सरकार चुप्पी साध लेती थी, लेकिन आज सरकार के पास जवाब है कि इस ऑपरेशन की डेडलाइन क्या है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अब देखिए ये सवाल किए जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें जैसे ही वो एक तरह से प्राकृतिक आपदा है वो, और उसके लिए बहुत सुनिश्चित कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि भूगर्भ की बातें हैं और वहाँ की कंडीशन क्या है वो तो देख के ही पता चल सकता है। अब बाहर तो आप देख नहीं रहे, अब अंदाजन सब कुछ चल रहा है, मशीनें जवाब दे गई, अगर मशीनें जवाब दे गई जिसकी कि ये गारंटी सी लगती थी कि 100% की, अब अगर मशीन आ गई है, किसी तरह कोई बाधा होगी तो सब दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर मशीन ने भी एक लिमिट के जाने के बाद और जवाब दे दिया कहना चाहिए, तो तमाम इसमें जो वैकल्पिक जो रास्ते ढूंढे गए, तमाम जो हमारे आस्था और विश्वास से भी हम लोग चलते हैं, तो वहाँ भी प्रेयर की गई, प्रार्थना की गई, तमाम देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने। बिल्कुल त्रिवेंद्र सिंह जी, क्योंकि जो एजेंसियां थी वो तो अपना काम कर ही रही थी, लगातार 17 दिनों का जो सफर है, बाधाएं बहुत आई, चाहे वो मशीनों का खराब होना हो, दूसरी मशीनें मंगाना हो, सफर बहुत कठिन रहा है, बहुत बाधा भरा ये सफर रहा है, उसके बाद भी एजेंसियों का काम एक तरफ, दुआओं का असर एक तरफ, जो कि आज दिख रहा है। जी बिल्कुल, दुआओं के बगैर हो नहीं सकता था। आज मजदूरों के जो हौसले थे वहां, जो उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ दे रहे थे जो लोग वहां पर, जो भी थे, कुछ मजदूर भाई रहेंगे, कुछ उनके साथ हो सकता है कोई और रहेंगे जो बाहर से डॉक्टर, उनको एक साइकोलॉजिकल जो उनको एक तरह से ताकत दे रहे थे, और मजदूरों का जो हौसला था, उस हौसले की तो जितनी तारीफ की जाए, मैं समझता हूँ कि 17 दिन जमीन के अंदर हैं और वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, और पूरी जीने की जो जिज्ञासा है कि हमको बाहर निकलना है, वो भी एक अध्ययन का विषय है कि 17 दिन कैसे वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, वहीं थोड़ा बहुत खाने को जो मिल रहा था वहीं पर, सब तरह से रात को या नींद भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, हो सकता है 17 दिन जगे ही रहे होंगे जी, तो ऐसी हालत में जो मजदूरों की, जो जो वहाँ 41 लोग थे, उनकी
उनके हौसलों की जितनी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ बिल्कुल। और त्रिवेंद्र सिंह जी, ये उन मजदूरों का हौसला ही है, उनका ही हौसला है जिसकी वजह से एजेंसियां बाहर काम करती रहीं, क्योंकि उनकी मजबूती है, वो अंदर सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, तभी उनको बचाने के लिए एजेंसियों का भी हौसला बढ़ा और ज्यादा काम करने के लिए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका हौसला सबसे बड़ा तो उनका हौसला ही था जो उनका साथ देने वाला था। बिल्कुल, और बाकी तो सब सहयोगी हैं, बाकी सब सहयोगी हैं, उनकी उनके हौसले बुलंद थे, उनको पूरा विश्वास था कि हम बाहर निकलेंगे, और इसलिए 17 दिन उन्होंने किसी तरह से झेल लिए। लेकिन अब देखना है कि बाहर आकर उनका जो है, डॉक्टर्स की टीम वहाँ है, तमाम उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, एम्स ऋषिकेश, स्थानीय अस्पताल, सब में उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है, तो मैं समझता हूँ कि अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल, और त्रिवेंद्र सिंह जी, सिर्फ आज का जो दिन है, आज का जो दिन है, आज सिर्फ उनके परिवार वाले दिवाली नहीं मनाएंगे बल्कि पूरा देश खुशी मनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज पूरा देश खुशी मनाएगा क्योंकि सभी की निगाहें काजल आज जो है इस उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल पर अटकी हुई है कि कब वो सभी मजदूर बाहर आए। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने